हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो हमारा माइक्रोटेक का इन्वर्टर होता है EB900 इसकी वीडियो लेके आया हूं। इसमें दोस्तों फॉल्ट यह है कि जिस टाइम इसमें हम मेन को देते हैं तो हमारी मेन बिल्कुल अच्छी तरह वर्किंग करती है और चार्जिंग भी हमारी अच्छी तरह काम करती है, पर जिस टाइम हमारा ये बैकअप मोड पर आता है तो हमारे यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन शो नहीं करता है और ना ही हमारी आउटपुट आती। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह इन्वर्टर बैकअप मोड पर डेड हो जाता है, बिल्कुल ऑन नहीं होता। और यहाँ पर जो हमारे स्विच पर ब्लू लाइट चलती है वो चलती रहती है, पर आगे हमारे डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आता। देखिए मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। मैंने दोस्तों इसकी बैटरी की थिम्बल पर जहाँ हमारा 7805 लगाता है उसके यहाँ पर हमारी नेगेटिव होता है, जो हमारा ये चीज़ होता है इसके हीटसिंक लगी होती है, ये माइनस के साथ जुड़ी होती है हमारी बैटरी की। और यहाँ पर जो प्लस का जैक लगता है उस पर मैंने ये मीटर लगा दिया है, देखिए। अब दोस्तों मैं इसे जैसे ही 12 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ अपने DC, ये देखिए हमारे यहाँ पर 12 वोल्ट आ चुके हैं, पर हमारे यहाँ पर ये देखिए सिर्फ स्विच में लाइट है और आगे पैनल पर बिल्कुल भी हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आई है, जबकि हमारे यहाँ पर प्लेट पर 12 वोल्ट जा रहे हैं और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंडिकेशन शो नहीं हुई और ना ही हमारा ये बैकअप मोड पर आउटपुट देता है, या भाई बल्कि यहाँ पर ये LED ख़राब हो गई हो तो हमारा ये नहीं शो कर रहा हो। बिल्कुल ये ठीक है और आउटपुट बिल्कुल नहीं है इसकी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मेन पर भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं इसकी मेन का स्विच है जो ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने लाइट ऑन कर दी, हमारे यहाँ पर 200 के आसपास मीटर में हमारी वोल्ट आ चुके हैं और ये देखिए हमारी यहाँ पर चार्जिंग आ गई है और ये हमारे मल्टीमीटर में भी वोल्ट बढ़ रहे हैं, देखिए। और हमारे यहाँ पर भी चार्जिंग 15 एम्पीयर के आसपास आ चुकी है और ये देखिए फ़ैन भी चल रहा है इसका। और यहाँ पर भी देखिए डिस्प्ले आ चुकी है हमारी मेन की और ये हमारी चार्जिंग की। हमारा इन्वर्टर मेन पर तो बिल्कुल ओके काम कर रहा है, देखिए। और चार्जिंग हमारे मल्टीमीटर पर भी शो कर रही है, जो हमारे वोल्ट 12 के आसपास आते हैं उससे ऊपर बढ़ती है जब चार्जिंग आती है, और यहाँ पर भी अच्छी तरह चार्जिंग आ रही है। अब देखिए दोस्तों मैं इसकी जो मेन है वो बंद कर देता हूँ यहाँ से, ये देखिए। और हमारे यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन शो नहीं किया, ना UPS का भी हमारा इन्वर्टर चल रहा है और सिर्फ स्विच का हमारे जो LED है वो ग्लो रही है और वोल्ट हमारे दोस्तों पूरे 12 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम ये देखते हैं हमारी दिक्कत कहाँ से आ रही है। मैं इसकी एक बार PCB खोल लेता हूँ। नए किट निकाल दिए है, देखिए, और इस पर नेगेटिव पॉजिटिव वायर भी कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैं इस किट को ऑन कर लेता हूँ अपने DC की MCB उठाकर। ये देखिए मैंने यहाँ पर MCB उठा दिया है और हमारे यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आया, हमारा सिर्फ एक बार रिले ऑन होने का साउंड आया है, क्योंकि ये हमारी रिले बिना ही स्विच के ऑन रहती है। अब दोस्तों मैं इसकी जो हमारा रेगुलेटर लगा होता है 7805, यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करूँगा। एक वायर मैं यहाँ पर ग्राउंड कर लेता हूँ और यहाँ पर जो इसकी यहाँ से हमारे 5 वोल्ट निकलते हैं इस पिन से, मैं इस पिन पर चेक करता हूँ कि हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। मैंने यहाँ पर देखिए मीटर को DC की रेंज पर कर लिया है, 20 की रेंज पर। अब मैं यहाँ पर वोल्ट चेक करता हूँ, 1 नॉब मैंने यहाँ पर देखिए नेगेटिव पर कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों हम तीसरी पिन पर चेक करेंगे रेगुलेटर की, जहाँ से हमें 5 वोल्ट मिलते हैं, पर हमें यहाँ पर 10 वोल्ट मिल रहे हैं, हमें यहाँ पर 5 वोल्ट मिलने चाहिए। दोस्तों या तो ये हमारा 7805 जो रेगुलेटर होता है ये ख़राब है, या फिर हमारे जो इसके पीछे एक डायड लगा होता है चार्जर साथ, वो भी ख़राब होने से हमें यह दिक्कत आती है, जो हमारे कंट्रोलर नहीं करता वोल्ट ये रेगुलेटर। अगर ये डायड ख़राब हो जाएगा तो ये हमारे सीधा यहाँ से जितने वोल्ट ये बैक से इन लेगा उतने ही आउट करेगा, अगर ये शॉर्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है। ये देखिए हमें यहाँ पर 10 वोल्ट मिल रहे हैं। डायड को चेक करने के लिए मैं मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर कर लूँगा, देखिए मैंने कंटिन्यूटी पर कर लिया है। अब दोस्तों आप इन पिनों को कोई भी लगा सकते हो डायड के ऊपर, ये देखिए मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। ये देखिए हमारा मीटर बीप की आवाज़ दे रहा है, ये हमारा डायड ख़राब है। ये देखिए मैं नॉब भी चेंज करता हूँ मीटर की, फिर भी चेक करता हूँ। ये देखिए फिर भी हमारी बीप साउंड आ रही है, ये हमारा डायड ख़राब है। आपको मैं डायड भी दिखा देता हूँ कहाँ पर लगा होता है। ये देखिए जो हमारा रेगुलेटर लगा होता है इसकी हीट सिंक की बैक में लगा होता है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा 4007 नंबर का डायड है जो ये बैक में लगा हुआ है इसकी, आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए अब दोस्तों मैं इस डायड को निकाल लेता हूँ, फिर हम इस चेक करते हैं कि ये हमारा ख़राब है या हमारा रेगुलेटर ख़राब होने की वजह से बीप दे रहा था। मैं इसे निकाल लेता हूँ।
इस कंडीशन में दोस्तों हमारा ये रेगुलेटर भी ख़राब हो सकता है 7805, या हमारा ये डायोड भी ख़राब हो सकता है। इन दोनों के कारण ये दिक्कत आती है, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। मैं डिसोल्डर पंप की सहायता से इस डायोड को निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इससे दोस्तों हमारा प्रिंट भी ख़राब नहीं होता। ये देखिए हमारे सुराख ये बिल्कुल अच्छी तरह खुल जाएंगे इससे। ये देखिए यहाँ पर ये सुराख अच्छी तरह साफ हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा डायोड निकल चुका है। अब मैं दोस्तों आपको इसे कंटिन्यूटी में चेक करके दिखाता हूँ कि ये हमारा डायोड ठीक है या ख़राब है। मैंने दोस्तों मीटर कंटिन्यूटी की रेंज पर कर लिया। ये देखिए अब हम यहाँ पर डायोड पर चेक करेंगे। ये देखिए बीप की साउंड आ रही है हमारी, ये डायोड हमारा ख़राब है। अब मैं दूसरी साइड से भी इसे चेक करता हूँ। ये देखिए ये डायोड ख़राब है। अब दोस्तों मैं इस पीसीबी को दोबारा चेक करता हूँ कि हमारा अगर डायोड ख़राब था तो यहाँ पर हमारा रेगुलेटर सही होगा तो यहाँ पर 5 वोल्ट आएंगे, अगर ख़राब होगा तो भी 10 वोल्ट के आसपास दिखाएगा, जो हमारे डायोड पर भी दिखा रहा था। अब दोस्तों मैं डीसी के एमसीबी उठा लेता हूँ। ये देखिए हमारी ये पीसीबी ऑन हो चुकी है। अब मैं दोस्तों मीटर को यहाँ पर 20 डीसी की रेंज पर सेट कर लेता हूँ। अब एक पिन मैं यहाँ पर ग्राउंड कर लेता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये दोस्तों फॉल्ट हमारे डायोड का ही था। ये देखिए इस साइड हमारे 10 वोल्ट हैं और इस साइड ये 5 वोल्ट हमारे रेगुलेटर करके दे रहा है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर डायोड लगा लेता हूँ 4007 नंबर का, फिर हम इस किट को इन्वर्टर में फिट करके चेक करेंगे कि हमारा इन्वर्टर ओके हुआ है या नहीं। इसमें एक डायोड लगा लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास डायोड पड़े हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा 4007 नंबर का डायोड है, मैं इसे लगा लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इस किट में ये डायोड लगा लेता हूँ, फिर हम किट को चेक करेंगे। डायोड लगाते समय दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा कैथोड वाला हिस्सा है जिस पर निशान बना हुआ है, ये हमारा दोस्तों इस साइड लगाना है आपने। ये देखिए जिस साइड ये D11 लिखा हुआ है हमारा, ये कट का निशान दिया हुआ है, इस साइड आपने कैथोड वाला लगाना है। यहाँ पर हिस्सा इधर से आएगा वो, अगर आप गलत लगाओगे डायोड तो भी हमारे यहाँ पर वोल्ट की दिक्कत आएगी, इसलिए आप यहाँ पर लगाएं कैथोड वाला हिस्सा इसका डायोड का। डायोड को दोस्तों मैं आपको कंटिन्यूटी पर रखकर चेक कराता हूँ। देखिए इसकी रीडिंग 400 से 500 के आसपास आएगी। मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ, आपको मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर रखना है। ये देखिए हमारे यहाँ पर देखिए रीडिंग आ रही है 560 के आसपास। अगर दोस्तों मैं डायोड पलट कर लगाता हूँ, हमारे यहाँ पर रीडिंग नहीं आनी चाहिए और कोई भी बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। देखिए ये दोस्तों हमारा डायोड ठीक है। ये देखिए आपको मैं फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारी डायोड की रीडिंग सही आ रही है। और मैं डायोड को किट में लगा लेता हूँ, फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे 5 वोल्ट ड्रॉप तो नहीं होते जो हमारे रेगुलेटर से आ रहे हैं। मैं इस किट में लगा लेता हूँ डायोड को। मैंने डायोड लगा दिया और शोल्डर भी कर दिया। ये देखिए मैंने इसके बैक में लगा दिया यहाँ पर डायोड। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, तो मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं डीसी के एमसीबी उठा लेता हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ पर बजर की भी साउंड आई है और रिले की भी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करता हूँ। अब मैं मीटर को यहाँ पर डीसी 20 की रेंज पर रख लूँगा। दोस्तों मैं एक यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ नोब को, और यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं रेगुलेटर से, और आपको यहाँ पर डायोड भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी 5 वोल्ट है। तो मैं इस किट को इन्वर्टर में फ़िट कर लेता हूँ और फिर चलाकर चेक करते हैं कि हमारा इन्वर्टर अब ओके है या नहीं। तो मैं इसे फ़िट कर लेता हूँ इन्वर्टर में। मैंने इन्वर्टर में किट फिट कर दिया है। अब दोस्तों मैं इसे बैटरी से भी कनेक्ट कर लेता हूँ, और सभी जैक वगैरह और ये आपको टाइट ही रखने हैं, हीट सिंक की वायर, नहीं तो आपके मोस्फेट उड़ जाएंगे। अब दोस्तों मैं इसकी डीसी के एमसीबी उठा लेता हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ पर देखिए यूपीएस का इंडिकेशन आ गया है, पहले यूपीएस का इंडिकेशन नहीं आ रहा था। अब मैं यहाँ से ऑफ भी करता हूँ। ये देखिए हमारी यहाँ पर डिस्प्ले की लाइट भी बंद हो रही है, और यहाँ पर देखिए यूपीएस ऑन हो गया है हमारा, पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी, तो हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके है। मैं दोस्तों इसे सीरीज में कनेक्ट कर लेता हूँ, इसकी चार्जिंग भी चेक करते हैं। मैं इसे सीरीज से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मेन आ चुकी है, और यहाँ पर चार्जिंग भी आ चुकी है, और हमारा सीरीज का बल्ब भी ग्लो कर गया है। और जो हमारा यहाँ पर लोड लेता है इन्वर्टर, ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल है जो एम्पेयर लेता है। अब दोस्तों मैं इसे मेन में कनेक्ट कर लेता हूँ 220 में। अब मैं इसे 220 में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा मेन पर आ चुका है, और चार्जिंग भी आ गई है, और हमारा फ़ैन भी चल चुका है। ये देखिए
और यहाँ पर देखिए एम्पेयर में हमारी 10 से 15 एम्पेयर के आसपास चार्जिंग आ रही है। ये देखिए हमारा फ़ैन बिल्कुल ओके चल रहा है इसमें, तो हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो चुका है। आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।